हमारी कैंपेन पुरमन होगी, कानून के दायरे के अंदर होगी। लेकिन फिर ये आखिरी नुक्ता, हक लेंगे या जान देंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जब इकतदार के नशे में हुक्मरान मस्त हो जाते हैं तो फिर किसी गरीब का घर और किसी गरीब की झोंपड़ी का उन्हें ख्याल नहीं है। उन्हें लैंड माफिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दुबई शहर की मसाले और कमर्शियल प्लाजे और अरबों खरबों डॉलर की सरमायाकारी नजर आती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने आबा अजदाद की कब्रों के लिए, अपनी जरी जमीन के लिए, अपने साथ बैठे हुए साथियों चौधरियों बुजुर्गों और जवानों के लिए, अपने लिए, मेरी जमीन भी इसमें शामिल है इमरान खान, मैं लड़ूंगा। पूरा इलाका लड़ेगा, पूरा शहर लाहौर लड़ेगा और अपने हक लेने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और 10 लाख बंद बेरोजगार करना चाहता वे ये किधर जाएंगे? इन्होंने मेरे गांव की जमीन 3600 कनाल है, इन्हें बमा मस्जिदा बमा कब्रस्तान इन्हें बच्चे पा लिया, कहता जी इतों उठो एन साफ है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादा है, गवर्नमेंट को आगे उधर बैठना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए, देखने के बाद फिर फैसला करना चाहिए। देखिए हम चाहते हैं मुल्क तरक्की करे, लेकिन हम अभी यहाँ बैठ के दुबई अमेरिका या लंदन जैसी वो स्कीमें नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे उससे पहले लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो यहाँ पे आबाद भी हो सके। कि हुकूमत जो है इस वक्त हमारी ज़रखेज़ ज़मीनों को, हमारे घरों को, हमारे डेरे जो हैं उनको, उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रही है। तो हम चाह रहे हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, खुदारा हमारे ऊपर जो आराम किया जाए। हुकूमत वक्त हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, लोग यहाँ पे आके रहेंगे लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए अभी तक हुकूमत ने नहीं सोचा कि हमने इनको कहाँ रहायशें देनी है, ये कहाँ जाएंगे। अगर हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर किया गया तो हम इंशाल्लाह ताला सड़कों पर आ जाएंगे और हुकूमत के खिलाफ इत्तेजाज करेंगे। हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन हम हुकूमत को अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। तो आप ये समझ लें कि किसी परिंदे का घोंसला हो ना किसी दरख्त पे, उसको भी गिराया जाए तो वो भी बड़ा जो है ना परेशान होता है परिंदा, लेकिन यहाँ पे लाखों लोगों के जो है ना घरों का मसला है, ज़िंदगियों का मसला है, रोज़गार का मसला है। तो हुकूमत जो है ना ये ज़बरदस्ती कर रही है लोगों से और ये यहाँ के लोग जो है ना इंशाल्लाह ज़बरदस्ती करने नहीं देंगे। कि हमने हमारे बावजूद इतनी मेहनत करके ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये हमें ये हमारे गाँव से निकाल देंगे तो हम कहाँ पे जाकर रहेंगे? अगर वहाँ पे भी जाएंगे तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे तो फ्यूचर तबाह हो जाएंगे ना। जगह पे 400 घर होगा ना, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइड मतलब कोई ऐसा काम शुरू नहीं किया जाएगा, और जहाँ पे कोई जरी रकबा होगा ना वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं शुरू किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो लाखों की तादाद में घर भी हैं, मतलब सारे लाहौर में हमारी सब्जियाँ भी जाती हैं, हर किस्म की सब्ज़ी मारी जाती है, लेकिन फिर भी ये जो मतलब एक जुल्म ही है ना एक इंसान के ऊपर जुल्म, उसके हर चीज़ छीन कर उसे दर बदर कर देना, मतलब थोड़ा सा मुआवजा देकर, हमें मुआवजा कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए और इसे हासिल करने के लिए हमें जितना भी हो सका ना हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, हम देंगे।